ये संजय अग्रवाल जी ने अपने पिताजी को समर्पित की है ये रचना, जैसा कि आप पोस्टर में देख रहे हैं कि सबसे पहले इनके पिताजी का नाम है कि अपने पिताजी को उनके चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करने के लिए उन्होंने ये रचना लिखी है। और उस रचना को सुंदर बना दिया हमारे उमेश जी ने। उमेश जी तो करते ही हैं कमाल, इतनी सुंदर रचना बना दी, इतना अच्छा कंपोज कर दिया, अरेंजमेंट्स कर दिए और गा भी दिया, मतलब मेरा कहीं कोई चांस ही नहीं सारा काम खुद कर डाला मुझे कहा आप आके रिलीज कर दीजिएगा मैंने कहा ठीक है भाई यही कर देंगे, चलो कोई बात नहीं और अब इसका वीडियो बनेगा और उसमें अनुजा हंगामा करेंगी। मेरा जो नाम है ना पूरा अनूप जलोटा, इसका शॉर्ट फॉर्म है अनुजा, ANU से अनूप है, JA से जलोटा। और एक कमाल और है कि अनुजा का जो गूगल में नाम है वो है अनुजा सहाय गिरी अनूप जी गूगल में, ये कुछ कमाल की बात है, ये पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं लेकिन ऐसा है, ऐसा है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि ये गाना घर घर पहुंचे, वीडियो जब आ जाएगा तो लोग तो खूब देखेंगे, चैनल्स पे लोग देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, सब जगह देखेंगे। तो संजय जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर काम किया। और कुछ पूछें सर? मेरा जो नेक्स्ट सवाल था वो वही होने वाला था कि संजय सर, उमेश सर, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि अनूप सर के बहुत बड़े फैन हैं संजय सर, तो क्या ऐसा कुछ प्लान हुआ था कि अनूप जलोटा सर को भी ऑन बोर्ड आना चाहिए एज अ सिंगर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें सर, इस बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था? अनूप सर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, एक्चुअल में अनूप सर का एक पाँव घर में मुंबई में और एक पाँव प्लेन में रहता है, डॉन को पकड़ना नामुमकिन और यदि आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद फिर उनको यदि डेट बताई तो सबसे पहले वो डायरी सबसे सबकी दुश्मन, वो डायरी में पूरे पन्ने पलटे जाएंगे, फिर अनूप सर बोलेंगे। बाकी अनूप सर के साथ हमारे अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हम प्लान करने वाले हैं और अनूप सर अभी हमारे नए स्टूडियो में सबसे ज्यादा गाने वही करने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं अभी आया नहीं हूँ, आऊँगा स्टूडियो में, जरूर आऊँगा। संजय सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने कुछ आग्रह किया था भाई को कि अनूप सर को ऑन बोर्ड लाया जाए, क्योंकि आप बहुत बड़े, आपने जैसे बताया स्टेज पर कि बहुत बड़े फैन थे और म्यूजिक भी उनके हाथों लॉन्च हुआ, लेकिन क्या ऐसा कुछ प्लान हुआ था कि सर को ये सॉन्ग गाना चाहिए? हाँ, मेरी इच्छा तो थी कि अनूप जी गाना गा लिए, बात वही आई उम्मीद बोले कि साहब आप उनको पकड़े सर, क्या उनको मुझे गाना गब नहीं पाएगा, मैं गा लूँगा, मैं गा लूँगा मैं कर दूंगा तो, और आपको नाराज नहीं करूँगा, तो मैंने उमेश पे विश्वास करके बहुत अच्छा गाया, और मुझे लगता है कि पूरा अच्छा गाया है उमेश, बहुत अच्छा गाया है, और अगर अनूप जी पसंद आया तो अच्छा ही गाया है। यस यस यस, बहुत अच्छा। अनूप सर आपसे जानना चाहूँगा, ऑडियो हमने सुना, वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड है और
क्या कहना चाहेंगे जो पूरी टीम है उनके बारे में, अगर कुछ शेयर करना चाहे, और किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हैं अनुज और? देखिए वीडियो जो बनता है ना, वीडियो में ये टीम तीन लोगों की है, संजय जी ने लिखा है, उमेश ने म्यूजिक दिया है, गाया है, और अनुजा तो उसमें फीचर हो ही जाएंगी। तो मैंने एक आइडिया दिया है कि इसमें कुछ इस तरह से वीडियो बने कि हमारे संजय जी जो हैं किसी कवि की भूमिका में ड्रेस ऐसी इन्होंने पहनी हो, कुछ लिख रहे हैं, और लिखते लिखते इन्होंने वो कागज़ जो है उमेश जी को दिया, और उमेश जी ने उसको कंपोज किया, और फिर वो गाना तैयार हुआ। इस तरह ये तीनों जो हैं वो उसमें फीचर होने चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना? अच्छा लगेगा ना? अनुजा जी मेरी फोटो वोटो दिखा देना भी। आ जी, आ जी, जी, जी। मैं भी और क्रेडिट जाएगा अनुज सर को। अरे ना, मजाक कर रहा हूँ यार। ओके अनुजा जी, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आज का दिन आपके लिए कितना खास है उस बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इतने सारे लोग आए आपको विश करने के लिए, साथ ही इतना जो सुंदर सॉन्ग आप लोगों ने लॉन्च किया है, अगर कुछ कहना चाहे आप उस बारे में। देखिए खास तो कितना है ये बोलना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और लोग आए हैं, और ये तो अभी सिर्फ लॉन्च इवेंट है, अभी कहते हैं ना पार्टी तो बाकी है दोस्त, अभी ऊपर पार्टी होनी है, एक्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, और अनूप सर के प्रेजेंस से ऑटोमेटिकली ये चीज़ इतनी खूबसूरत हो गई है, इतनी इतनी स्पेशल और मेमोरेबल हो गई है। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अनूप सर का काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, और रिलीज़ करके हम उनको छोड़ने वाले हैं नहीं, लॉन्च करके उनको छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि आज के इवेंट से पहले ही मेरे मन में ये बात आ गई थी, और हमने और संजय सर ने डिस्कस भी की थी कि हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। सर सिर्फ सिंगर थोड़ी है, सर इज़ अ कम्प्लीट पैकेज, सर इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टर हिमसेल्फ। तो जैसे मैं गाती हूँ, और अगर मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना मैं सही चेली हूँ सर की एकदम। मैंने सर से ही सीख लिया है कि सर अच्छे से गाना है, एक्टिंग भी करनी है, सर इज़ अ कंप्लीट आर्टिस्ट इन हिमसेल्फ। तो ये वीडियो उनके प्रेजेंस और उनके किरदार के बिना एकदम अधूरा है, तो ये तो बिल्कुल भी मत समझेगा कि अभी हमने सर को लॉन्च से छोड़ दिया, अभी तो सर की जर्नी हमारे साथ इस गाने में शुरू करवाई है हमने। क्या पता आपको कृष्ण सर ही दिखे। यू नेवर नो, सो आई एम दैट्स व्हाई एम वेरी एक्साइटेड। बड़े हेल्दी हेल्दी कृष्ण होंगे, हेल्दी। अभी वो आप कॉन्सेप्ट जा रहे, वो तो लेट इट बी अ सरप्राइज ना, सभी बता देंगे तो फिर क्या मजा रहेगा। आप भी एज अ एक्टर फीचर करने वाले हैं, कितनी रिस्पांसिबिलिटी होने वाली है, स्पेशली जब इस तरह का गाना है, लोग डेफिनेटली मैं ऑल जोक्स असाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, बट अगर आप उसको बहुत दिल से करते हैं ना कोई भी काम को, तो वो आपके ऊपर बर्डन जैसा आपको फील नहीं होता, यू डोंट टेक इट एज अ वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट नेचुरली कम्स टू यू। एंड सबसे बड़ी हर चीज़ की जो बैकबोन होती है, जो ताकत होती है, वो आपकी टीम होती है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द टीम दैट संजय सर हैज़ चोजन। और जिस तरह से ये पूरी टीम इस वीडियो को खूबसूरती से लाएगी, मैं उस टीम एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए है बिकॉज आर टीम इज़ वेरी गुड, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द कोरियोग्राफर टू द DOP टू द एंटायर पीपल हु आर असिस्टिंग इट, तो वो मुझको निखार ही देंगे, मुझे ऐसा लगता है। संजय सर आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर एसोसिएशन के बारे में बताएं, कामाख्या म्यूजिक जो स्टूडियो है, म्यूजिक लेबल है, उनके साथ थोड़ा सा अगर एसोसिएशन के बारे में शेयर करें कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मिले आप लोग, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये सब डेस्टिनी थी, और डेस्टिनी से अपने आप ही मिलना हो गया, इधर उधर भटक रहे थे, मालूम नहीं कहाँ से ईश्वर ने किसके थ्रू कहाँ से कैसे पहुँचा दिया, और उस डेस्टिनी ने मेरे को उमेश से पास पहुँचाया, फिर हम उमेश के थ्रू कामाख्या स्टूडियो जुड़ गए, और फिर जब गाना बन रहा था, सब चल रहा था, बातें हो रही थी, वीडियो की बात हो रही थी, तो अचानक मेरे मन में आया कि जब हम कामाख्या स्टूडियो के थ्रू सब काम करा रहे हैं, तो उसके बाद एसोसिएशन क्यों नहीं करें। तो मैंने इससे इनके सामने प्रपोजल रखा, इन्होंने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं सब जश्न ही है, और अपने हिसाब से धीरे धीरे कामाख्या मीटिंग के साथ स्टूडियो था हम लोग का एसोसिएशन हो गया। सर आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट भी होने वाला है, क्योंकि आप ये गाना अपने पिताजी को डेडिकेट करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कितना इमोशनल होते हैं उस चीज़ को लेके, कि आप इमोशनल की तो कोई सीमा नहीं होती है, मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि मेरे क्या इमोशनल हैं, कितनी सीमा है, क्योंकि भावना की कहीं सीमा नहीं होती। मैं अपने फादर को डेडिकेट कर रहा हूँ,
डेडिकेट नहीं कहूँगा, मैं शायद उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरे ठाकुर जी इसमें मेरे मददगार हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनका अधूरा सपना मैं पूरा करूँगा। बस इतना ही, मैं भावना की बात तो नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। वही दो लाइन सुना दो। आप सभी लोग इस गाने को बहुत प्यार दें, मैं यही चाहूँगा, आशीर्वाद दें। आप लोग यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हम पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं। चलिए अब मैं गुनगुनाता हूँ। जागो वृंदावन के प्यारे, तुम ही हो संबल हमारे, बलराम का बल चाहिए, राम का दल चाहिए, रख दो सर पर हाथ हमारे, हम ये भी कर दिखलाएंगे। जन्म भूमि है हमारी, इसको मुक्त कराएंगे, सनातन की ललकार है, हमने भरी हुंकार है, सनातन की ललकार है, हमने भरी हुंकार है, हमने भरी हुंकार है, जन्मभूमि जो मुक्त कराएगा, कलयुग कृष्णांश कहलाएगा, जन्मभूमि जो मुक्त कराएगा, कलयुग कृष्णांश कहलाएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीर रस मीट्स श्रृंगार रस, दैट इज़ वन। सेकेंडली, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो ऑडियंस है वो किस तरह से इस इमोशन के साथ कनेक्ट हो सके, ये हमारा मेन फोकस है और इसलिए वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग टू गिव यू द बेस्ट विजुअल्स जो पॉसिबली उसमें रस्टिकनेस हो, रॉनेस हो, एक मिट्टी की सुगंध हो, जो भी हम करें ऐसा लगे कि बहुत रियल है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एट इन द स्टोरी बोर्ड। हम उसको लेयर्ड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मोनोटोनस ना लगे, वीडियो मोनोटोनस ना लगे, उसमें बहुत से लेयर्स हो, उसमें डांस का एलिमेंट हो, ड्रामा का एलिमेंट हो, इमोशंस का एलिमेंट हो। सो ऑल दीज टू थ्री लेयर्स विल हेल्प अस टू काइंड ऑफ यू नो गिव यू अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आई शुडंट कॉल इट अ प्रोडक्ट, टू गिव यू अ वेरी गुड इमोशन, टू गिव यू अ वेरी गुड यू नो अ स्टेटमेंट विच इज़ हिडन विद इन अस। तो हम चाहते हैं कि वी बिकम द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। हम लोग सिर्फ एक जरिया है, लिखा तो संजय जी ने है, कंपोज तो उमेश ने किया है, अनुजा विल स्टार इन इट, एंड वी आर द कैटलिस्ट। मेन इज लॉर्ड श्री कृष्णा। हाउ लॉर्ड श्री कृष्णा, मे बी ही प्लेड द रोल ऑफ अ चैरिएटर, मे बी वी आर द चैरिएटर्स नाउ फॉर दिस, वेयर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लॉर्ड कृष्णा इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। करेक्ट करेक्ट। चैंग, दिस इज चैंग, चैंग डीओपी। आएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ऑथेंटिक हम लोग कुछ बना रहे हैं, जो हिस्ट्रिकल थिंग्स जो क्रिएट कर रहे हैं फॉर द कृष्णा इंडस्ट्री को, नया कलर्स और ऑथेंटिक जो कलर्स होंगे, जो मूव होंगे, वो चीज़ हम बना रहे हैं। बराबर, वही चीज़ को हम मद्देनजर करके ये वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे फॉर द कलर वाइज। करेक्ट, टेक्निकली राइट, करेक्ट करेक्ट। यस। हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली जब अनुजा जी का कॉल आया था मुझे, तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल कमर्शियल वीडियो होगा, एक जैसे जनरली होता है एक कमर्शियल म्यूज़िक वीडियो। जब मैं ऑफिस पहुंचा, जब मुझे गाना सुनाया गया, तब मुझे पता चला वो यार मैं किसी मतलब ऐसे चीज़ से जुड़ने जा रहा हूँ जो शायद मेरा वजूद होगा आगे चल के, लोग मुझे शायद इससे जानने लगेंगे। और बहुत अच्छा लगा मतलब ये प्रोजेक्ट से जुड़ के।
और यस इस प्रोजेक्ट को लेके हम सब लोग ने एक अच्छा विजन सोचा है और हर एक चीज़, जैसे सर ने बोला, बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें और उस लेयर्स को हम लोग एक करके, मतलब एकजुट करके आपके सामने प्रेजेंट करके अभी आपको ही बताना पड़ेगा वो कैसे लग रहा है। हमने तो अपनी पूरी मेहनत और पूरा पूरा सब चीज़ डाल दिया है, जान जान बोल सकते हो आप, सब चीज़ अंदर डाल दिया है। अभी देखते हैं कि डालना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत है या, अभी तो बोल नहीं सकते, वी कैन नॉट क्लेम कि कुछ किया है या, दैट्स व्हाट, जब तक कि होना जाए सिर्फ पेपर पे है तो ट्रांसलेट होना चाहिए यार, रियलिटी में ट्रांसलेट होना चाहिए। करेक्ट, मेरे साथ भी जो इनके साथ मैसेज आया मुझे, लाइक अनुजा ने मुझे बोला कि हाँ एक नई म्यूजिक वीडियो आप करेंगे, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। जब मैं फर्स्ट मैसेज आया उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद अनुजा ने बोला हाँ काम चल रहा है, उसके बाद हम लोग, तो एक हफ्ते बाद जब मैं मैसेज आया सीधा सुबह मॉर्निंग को आई थिंक 9 बजे बनाया और सबको बोल दिया कि हाँ मिलना है गाइस। आपकी फैमिली, आपके फैमिली को भी हैप्पीनेस मिले मिले ये हम चाहते हैं कि इवन दे फील अ सेंस ऑफ डिवोशन, सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ईशान शी इज ऑल्सो अ गुड कोरियोग्राफर, एक्टर, वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। सबसे पहले तो मैं जय श्री कृष्ण बोलूंगा। जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि हमने इस वीडियो सॉन्ग के थ्रू, जिसमें स्टोरी भी है साथ में, तो एक ही लाइन में कहूँगा कि इसमें हमें कलयुग में सतयुग की नारी दिखाएंगे, जो ये ज़माने के में आके भी जो लड़ाई है वो लड़ेगी और पूरी टीम मिलके हम आवाज़ उठाएंगे और रियलिटी सबको बताएंगे कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और ये मूवमेंट्स आई थिंक पूरे इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी, जैसे राम जन्मभूमि का अयोध्या का स्टार्ट हुआ था वैसे ही। सो हम होपफुली ये सक्सेसफुल कर पाएंगे, मैं पूरा विश्वास है। और पूरी टीम मिलके आई थिंक हाफ डे हम पूरा मिलके राइटिंग करते हैं काफ़ी। सो उसमें से एक लाइन है कलयुग की सतयुग, कलयुग में सतयुग की नारी। सो यस, ये पूरा चेंज करके दिखाएंगे। ये डायलॉग इन्हीं का है, डायलॉग इन्होंने ही दिया है वो। मैं एक सीट बोलना, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने रखा उसको। मैंने बहुत बहुत सारे कमर्शियल म्यूजिक वीडियोज कर चुका हूँ मैं और फिल्म भी कर चुका हूँ, बट ये समथिंग मेरे लिए खास है ये, बिकॉज ये भगवान से जुड़ा हुआ है और मैं पहली बार इस भगवान के लिए कुछ करना है, मतलब कोरियोग्राफ करने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। इन फ्रंट ऑफ अ सुपरस्टार लाइक सर अनूप जलोटा एंड द नेक्स्ट सुपरस्टार हु इज सिटिंग बिसाइड्स मी अनुजा, आई एम टू स्मॉल टू कमेंट समथिंग एनीथिंग अबाउट हर बिकॉज शी इज हैविंग अ वेरी ग्लोरियस टाइम। She's singing so beautifully and her journey has just begun and it's going to be a very, very successful journey. The tracks which are being created by both of them are absolutely extraordinary with a lot of love, heart, everything which is put into it to make this happen, a very successful beginning to a long story ahead. We wish Anuja best luck and the best wishes on her birthday and may she be always stay blessed and whatever she wishes comes true. Wow. Thank you so much. Oh, thank you so much. Thank you.